हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अदितिस किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई कोफ्ता की रेसिपी। अगर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी खाने का मन हो तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इस रेसिपी से हमारे कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी भी एकदम स्मूथ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम होटल जैसी मलाई कोफ्ता की रेसिपी। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ मैंने दो बॉईल आलू लिए हैं, इन्हें हम पूरी तरह से मैश कर लेंगे। आलू आप जब भी लें तो उन्हें बॉईल होने के बाद पूरी तरह से ठंडा होने दें, या आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें मैदा या कॉर्नफ्लोर का यूज कम करना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरी तरह से मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें जो आएगा 1 बारीक कटी हरी मिर्च, और साथ ही में हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक डॉग की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा, या आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, और वापस ये सबको हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोफ्ता बनाने के लिए डो एकदम रेडी है। अब हम थोड़ा सा प्रोपोर्शन लेंगे कि बोल बनाकर इस तरह से चपटा करेंगे, और अब इसमें बारीक चॉप किए हुए काजू बादाम डाल देंगे। अगर आपको किशमिश पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, और फिर इस तरह से बंद करके एक बॉल बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी बॉल्स बन गई है। अब हम एक स्टेप और करेंगे, थोड़ा सा मैदा प्लेट में लेंगे, इस तरह से बॉल्स को घुमाकर उसकी कोटिंग करेंगे, और फिर हाथों से एक्स्ट्रा मैदा हटा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब इन्हें फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाकर फटेगी नहीं। तो ये देखिए सारी बॉल्स की कोटिंग हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल साइड में गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पर अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। शुरुआत में इनके ऊपर करछी ना चलाएं, इस तरह से तेल को ऊपर ऊपर से डालें। थोड़ा सा सिकने के बाद इन्हें अलट पलट कर ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है, कितने अच्छे से सिक गए हैं, और एक भी कोफ्ता फटा नहीं है। तो इसी तरह सारे कोफ्ता तैयार कर लेंगे। तो सारे कोफ्ता बनकर तैयार है। अब इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बनाएंगे। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 5-6 काली मिर्च और 3-4 लौंग। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए प्याज और इन्हें सॉटे करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 3-4 लहसुन, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 कटी हुई हरी मिर्च, और इन सबको भी थोड़ी देर सोटे कर लेंगे। तो 1-2 मिनट सोटे होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 8 से 9 काजू। तो इन्हें भी 1-2 मिनट और भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और इनको मिक्स कर लेंगे। मसाले भी थोड़े से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कटे हुए टमाटर और इन्हें मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे, और इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दें, थोड़ा सा ठंडा करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। मसाला ठंडा हो गया है, इसे एक मिक्सचर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और ये तेज पत्ता निकाल देंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे और वापस से हम वही कढ़ाई ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल, और आप चाहे तो इस टाइम बटर भी यूज कर सकते हैं। कलर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, और
और फटाफट से हम प्यूरी डालेंगे और प्यूरी को इस तरह से छान कर डालेंगे। अब एक चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे, इन्हें एक दो मिनट ढककर और पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कम यूज किया था। अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और साथ ही में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ये जरूर डालिएगा। और सभी को मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें जाएगी क्रीम या फिर मलाई। तो ये मलाई कोफ्ता की ग्रेवी तो बन गई है, चलिए इसे सर्व करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, पहले हम कोफ्तास को रख देंगे, फिर हम इनके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म ग्रेवी। और लास्ट में थोड़ी सी क्रीम और धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। तो रेडी है ये गर्मा गर्म मलाई कोफ्ते की सब्जी। आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अच्छा खाइए, खुश रहिए। नमस्कार।